हमारे पास एक रास्ता है, अगर हम सभी आनंद क्लास लोग करेंगे तो अच्छा दूसरा किसी को ज्यादा बच्चे की कोचिंग सेंटर पूरा ट्राई किया, किसी को भी संभव नहीं होना है। क्योंकि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट से डायरेक्शंस आती है कि किस एज ग्रुप में, पहले 18 से ऊपर था, अब 18 से नीचे भी आ गया है, 15 से 17 हमने कर दिया है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल साहिबान हैं, जो हाई स्कूल के हेडमास्टर साहिबान हैं, उन सबको हमने इधर बुलाया था, उनको हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन करना कंपलसरी है, और जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, तब तक ये हमें दिक्कत आ रही है, इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद किए हैं। वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी हमारी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों को जो भी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन वो करवाए, उनको खोलने का प्रयास किया गया। तो आपको क्या लग रहा है श्रीनगर में ऐसा कुछ स्टेप देखने को नहीं? अभी जब वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही गवर्नमेंट कोई फैसला ले सकती है। जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके पास जो भी स्टाफ है पूरे स्टाफ को यूटिलाइज करके एक हफ्ते का हमने टारगेट दे दिया ये कम्प्लीट करना है। ऑनरेबल LG साहब के डायरेक्शन है जितना जल्दी हो सके इस टारगेट को अचीव करना ही। आज की मीटिंग वैक्सीनेशन के ताल्लुक से हुई कि वैक्सीनेशन का क्या प्रोग्रेस है बच्चों में, खासकर 15 साल से लेकर 17 साल के बच्चों में, क्योंकि ऑलरेडी कोचिंग सेंटर्स और स्कूलों में ये मुहिम जारी है। हमने वालदेन को लिखा है, गुजारिश की है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराइए। स्टूडेंट्स से गुजारिश की कि 100% वैक्सीनेशन के साथ ही हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा सकते हैं। अब चूँकि दुनिया भर में चूँकि जो लगातार न्यूज़ें आ रही हैं उस ताल्लुक से इस वक्त हर जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या तो खुले हुए हैं या तो खुल रहे हैं, और दूसरी बात जितनी भी वर्ल्ड बॉडीज़ हैं जिनके कहने पर सरकार ने लॉकडाउन लगाया उनका भी यही कहना है कि स्कूल शुड बी लास्ट क्लोज फर्स्ट ओपन। अब क्योंकि 2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, एक जनरेशनल गैप हो रही है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टोटल बंद है, स्कूली निज़ाम दरहम बरहम है, कोचिंग सेंटर्स भी रिसेंटली बंद जो हो चुके हैं। इन हालात में हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे, यही गुजारिश करना चाहेंगे, अब टाइम आया है कि अब स्कूली निज़ाम को, एजुकेशन निज़ाम को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा देर बंद नहीं रखा जा सकता है। कोविड एक हकीकत है, इसके साथ अब जीना है। आज ओमिक्रॉन है, इसके बाद अल्लाह ही ये जानता है क्या हालात आगे होंगे, क्योंकि हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन भी इनका ही अहम है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ से ट्रांसपोर्ट खुला है, जब टूरिस्ट को इनक्रेज किया जा रहा है यहाँ आने के लिए, टूरिस्ट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फंक्शंस हो रही हैं, सरकारी फंक्शनें हो रही हैं, गैर सरकारी फंक्शनें हो रही हैं, और मॉल्स खुले हैं, सब खुला है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने का पर्पज़ क्या है? अब बताइए, अब हमारे बच्चे 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया तालीमी निज़ाम से दूर है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऑनलाइन कभी ऑफलाइन का मुतबादल नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है क्योंकि अब चूँकि वैक्सीनेशन भी हो रहा है और हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमारी कोशिश है कि 100% बच्चे वैक्सीनेट हों। अब जो है इस वक्त हमारा ये मानना है कि अब सरकार के पास कोई लॉजिक नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने का, खासकर यहाँ चूँकि विंटर वैकेशन से स्कूल ऑलरेडी बंद हैं, तो कोचिंग सेंटर्स को खोलने की बहुत ही अहम ज़रूरत है। हमें यकीन है कि सरकार इस पर गौर करेगी, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब इस वक्त पेरेंट भी सड़कों पर आ रहे हैं, बच्चे भी सड़कों पर आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी हर तरह से एहतजाज कर रही है कि अब वक्त आ चुका है, अब एजुकेशन इदारों को खोलना चाहिए। मीटिंग में यही डिस्कस हुआ कि जो फीडबैक लिया गया, जो प्रिंसिपल्स थे या प्राइवेट स्कूल्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसमें यही फीडबैक लिया गया कि क्या इस वक्त पोजीशन है, वैक्सीनेशन कितना हो चुका है, क्यों कम वैक्सीनेशन हुई है श्रीनगर में, उस ताल्लुक से बात हुई। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ही वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद सरकार तालीमी इदारों को शायद खोल देगी, क्योंकि हमारी भी यही गुजारिश है, यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, अगर 2 बच्चों ने भी नहीं किया है, तो हम 2 बच्चों के
नॉन वैक्सीन की वजह से 18 बच्चों को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। इस वजह से हमारी भी कोशिश है, हमने भी एक जो सुझाव दिए, सजेशन दे दिए कि किस तरह से इस ड्राइव को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाया जा सकता है, हमारे बच्चे मैक्सिमम वैक्सीनेट हों, 100% वैक्सीनेशन हो, ताकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने में कोई दिक्कत ना रहे। सवाल ये है कि डे वन से ही ये लॉकडाउन डिबेट का बायस बना, कंट्रोवर्सी इस पर रही कि लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव है, नॉन इफेक्टिव है। इस वक्त वर्ल्ड बॉडीज़ खुद कह रही हैं कि लॉकडाउन से जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं हुआ। जिस तरह से ये बीमारी रोकी जा सकती है, इसका तदारुक किया जा सकता है, नहीं हुआ। अब ये वर्ल्ड बॉडीज़ कह रही हैं, ऑलरेडी कई सारे मुल्कों में अब लॉकडाउन तो बाकायदा इसको ख़त्म किया जा रहा है, लॉकडाउन को जो इस वक्त अक्सर कंट्रीज़ में जो लीड कर रहे थे इस लॉकडाउन में, एक बात। दूसरी बात है कि एक्सपर्ट्स का भी इसमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल, कोई एक बात कह रहा है, कोई दूसरी बात कह रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि कोविड कि इस सिचुएशन में हम बार बार कहते हैं कि हमें जीना है, हेल्थ के साथ एजुकेशन भी अहम है। तो हम ये मानते हैं कि इन हालात में SOPs के साथ सैनिटाइजेशन, इसके साथ मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस, वैक्सीनेशन, ये ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ तालीमी इदारों को बंद रखना अब ज़्यादा नुकसानदेह है। अब काफ़ी ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, क्योंकि 2.5 सालों से ज़्यादा का जो टाइम हो गया, अरसा हो गया, हमारे इदारे बंद हैं। आखिरकार ये बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम बार बार कहते हैं कि ऑनलाइन के भी ऑफलाइन का मुतबादल नहीं हो सकता है, लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि तालीमी इदारों को खोलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर डार्क ना हो। वो जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जितने भी नेशनल एग्जामिनेशन है वो अपने टाइम पर हैं, सरकार ने कोई भी नेशनल एग्ज़ाम इस बार ख़त्म तो नहीं किया, वेव ऑफ तो नहीं किया, सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। आखिरकार जब एग्ज़ाम हो रहे हैं, जब पूरा जो निज़ाम ज़िंदगी का चल रहा है, तो तालीमी इदारों को बंद करके क्या पैगाम देना चाहती है सरकार? इसी वजह से हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन हम करा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द तालीमी इदारों को खोला जाए। तालीमी इदारे अवेयरनेस सेंटर होते हैं, सोशल अवेयरनेस सेंटर होते हैं, एजुकेशनल अवेयरनेस सेंटर होते हैं, यहाँ से ही बच्चों को एजुकेट किया जाता है, मास्क के ताल्लुक से, वैक्सीन के ताल्लुक से। इस वक्त सरकार के सामने बड़ा इशू है, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ये कहाँ से हो सकते हैं? ये तो तालीमी इदारों से ही हो सकती है। जब हमारे तालीमी इदारे खुले होंगे तो बच्चों को इसके फ़वाद समझाए जा सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कम किया जा सकता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो सकता है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि तालीमी इदारे खुलने चाहिए, ताकि वैक्सीनेशन 100% हो, और उसके साथ 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 हमारे बच्चे पूरे SOPs के साथ अपना ऑफलाइन तालीमी जो है, जो अपनी तालीम जो है वो जारी रखें। LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि तालीम को कुर्बानी का बकरा मत बनाइए, अब वक्त आ चुका है तालीमी इदारों को खोलिए, खासकर कोचिंग सेंटर्स जो इस वक्त बंद किए गए हैं और बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसको खोलिए ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि कितनी देर तक हम बच्चों को तालीम से दूर रखेंगे? हम बार बार कहते हैं कि ऑफलाइन कभी भी जो है, ऑनलाइन तालीम निज़ाम कभी भी ऑफलाइन का मुतबादल नहीं हो सकता है। बच्चे परेशान हैं, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है, उनके एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं नेशनल या इंटरनेशनल सतह पे, आखिरकार कब तक हम इनको तालीम से महरूम रखें? ज़रूर इस बात की है कि अब तालीमी इदारों को खुदारा खोलिए, ये हमारी डिमांड ही नहीं, ये पेरेंट्स की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है, सिविल सोसाइटी की डिमांड है, पूरी कौम की इस वक्त डिमांड है कि तालीमी इदारों को खोलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे और ज़्यादा सफ़र ना करें।